Hello everyone, we are back again with another episode of our lockdown session. Almost हमारे अब दो से ज़्यादा महीने हो गए जो हम लोग work from home कर रहे हैं and we are trying to meet as many as amazing people as we can. और हम लोग इनकी inspirational stories से सबको inspire करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोग इनसे सीखें बहुत कुछ. और जो आज की जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने उसको बहुत डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया है. एक हमारे पास सबसे पहले ज़रफ़शा है, शी इज़ अ जीएम ऑफ अल खिदमत खवातीन विंग ऑफ पाकिस्तान एंड शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अल खिदमत फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और वो हमें बताएंगी कि कैसे एक चैरिटी बिजनेस है वो रन करता है इन एनी वे. फिर हमारे साथ हुज़ैफ़ा है, ही इज़ एन सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रिस्क एंड इनके साथ एक दो और भी फाउंडर्स हैं जो ऑब्वियसली यहाँ इनके साथ मिलकर काम करते हैं. और इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अमेजिंग इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत अरसे से इस चीज़ पे काम कर रहे थे बट कोरोना के काम की वजह से इनको काफ़ी हाईलाइट मिला है और इनको सक्सेस उसकी वजह से मिला है. तो हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे. एंड देन वी हैव निदा नाश्ते वाला एंड शी वर्क फ्रॉम होम एंड इनकी कुकिंग बहुत मशहूर है काफ़ी लोगों में और इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं. बट इन्होंने जैसे ही कोरोना आया और COVID-19 पेंडेमिक पाकिस्तान को हिट किया तो इन्होंने कोविड रिलीफ के लिए काम करना शुरू कर दिया. और अब ये माशाल्लाह से इट्स बीन 2 months दैट शी इज बीन डूइंग this work and hum inse inke experience ke bare mein puchhenge. And then Mubeen wala, she has a very long history of working with different charities and then she end up making her own charity aur inka kaam bhi kafi prominent hai in Lahore because inne kafi hospitals aur police wale aur sare departments ke sath milke inko relief fund relief देने की डिफरेंट तरीकों से कोशिश की है. सो हम सबसे पहले ज़रफ़शा से शुरू करेंगे. ज़रफ़शा, आप हमें थोड़ा सा मॉडल समझाएंगी कि चैरिटी बिजनेस अर्निंग कैसे करता है. अच्छा जी, चैरिटी बिजनेस कैसे अर्निंग करता है, इससे पहले मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं इस बात पर सबको मुखातिब करूँ कि चैरिटी असल में है क्या. अगर ये बात समझ आ जाए ना कि चैरिटी क्या है तो उसकी अर्निंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी. ये एक इबादत है, इंसानियत की खिदमत किसी भी मजहब में, किसी भी कौम में, किसी भी आला तबके में एक खास इम्तियाजी वस्फ है कि जब हम किसी इंसान के काम आते हैं, किसी की दुख और परेशानी में उसका साथ देते हैं. तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर भी अगर इसको हम पूरी दुनिया की अकवाम आलम और कल्चर में देखें तो इस बात को, इस खूबी को बहुत ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि चैरिटी वर्क को एक इबादत समझ के लोगों ने इख्तियार किया हमेशा. और जब इख्तियार किया तो उसके बाद उनको रिजल्ट अपने सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द अल्टीमेटली बहुत अच्छा पॉजिटिव नजर भी आया. हम बड़े बड़े नाम देखते हैं अपनी हिस्ट्री में भी और अगर इस बात को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान करीम में भी बताअवनु अलल बिर के नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताबुन करो, ना सिर्फ ये कि इस बात को पसंद फरमाया बल्कि इस बात की ताकीद भी की और इस बात को मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खास इम्तियाजी बस करार दिया कि वो दूसरों के लिए, दुनिया के तमाम अपने ही जैसे इंसानों के लिए, ना सिर्फ ये कि उनके दुख दर्द को बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं जैसे उनका अपना दुख या अपनी तकलीफ हो. आप लोगों ने बहुत मारूफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका सुनी भी है, यकीनन पढ़ी होगी कि उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान बिल्कुल एक जिस्म की मानंद है. जैसे जिस्म में किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म उससे अफेक्टेड होता है, तकलीफ महसूस करता है. तो बिल्कुल इसी तरह उम्मत और मुसलमान किसी भी दूसरे मुसलमान के दर्द को, दुख को, तकलीफ को, परेशानी को ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे उनकी वो अपनी पर्सनल तकलीफ है या प्रॉब्लम है. तो ये जो चैरिटी वर्क है ये दरअसल एक जज्बे का नाम है, ये कैफियत का नाम है, ये एक नेकी का नाम है, ये एक इबादत का नाम है. और जब इस कैफियत को, इस जज्बे को डिस्कस किया जाए, जब इस पर काम किया जाए तो जिस तरह खैर एक खुशबू की तरह फैलती है, हमें मालूम है ना खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल इसी तरह खैर के कामों को भी रोका नहीं जा सकता. एक फर्द खैर के काम के लिए कदम उठाता है,
खुशबू की तरह वो काम फैलता चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने अलखिदमत फाउंडेशन विमेन विंग और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब इस खैर के काम का बेड़ा उठाया, पहला कदम जब इसके लिए हमने उठाया, तो इसके लिए पहले कदम के साथ ही दरवाजे खैर के खुलते चले गए और हमारा ये सोशल वर्क पहले एक डोमेन में एक किसी खास महाज पर खवातीन के बिलखसूस काम कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लोगों के मसाइल का अदराक होता चला गया, खातून के पाकिस्तानी खातून की मुश्किलात और परेशानियों का जिस तरह अदराक होता चला गया, पूरी कौम और उम्मत और आजकल के हालात के तनाजुर में देखें तो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल इस वक्त एक कर्बनाक सी सूरत हाल पूरी दुनिया पे छाई हुई है, तो आलमी सतह पर इस खैर के काम में जिस तरह कदम उठते चले गए और हमने इस काम के लिए जिस तरह कोशिशें की, तो हमारे लिए ना सिर्फ ये कि दरवाजे खुलते चले गए, बल्कि अगर मैं आपको इसको अलखिदमत के हवाले से थोड़ा सा बयान करना चाहूँ तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम किसी एक माह के या एक साल के काम को लेकर इस वक्त आपके सामने मौजूद नहीं है, बल्कि अलखिदमत का नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह साला साल से ये दो दिहाइयों से भी जायद का एक अरसा है जिस पर हमारी सारी एक्टिविटीज और एफर्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और उसके नतीजे में लोगों का एतमाद पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर इस वक्त अलखिदमत आपको मालूम ही है टॉप 10 में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ये एतमाद हमारी अर्निंग का बहुत बड़ा सबब बनता है। लोग ये देख रहे हैं कि जो कुछ वो देते हैं, जो कुछ वो चाहते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं कि इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, उस तरह अलखिदमत खवातीन भी अपने इस सारे नेटवर्क को लेकर चल रही हैं, तो इस एतमाद के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सीआरटी बिजनेस जो है वो जारी और सारी है। थैंक यू ज़रफ़शा, इतना डिटेल से आपने बताया सब कुछ, तो आई थिंक जिसको कोई कंफ्यूजन थी वो भी अब क्लियर हो गई होगी कि हाउ अलखिदमत केम इनटू बीइंग। मूविंग ऑन टू मुबीन वाला फ्रॉम मेक अ डिफरेंस, मुबीन थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि आप किस तरह से इस साइड पे आई एंड यू स्टार्टेड डूइंग एंड हाउ मेक अ डिफरेंस केम इनटू बीइंग। Everybody is assigned by God to do some things और ये आपके अंदर होता है to do this. So I was always with different organizations. I joined, I won't name them, I joined many to find that peace or that thing with which मैं कोई कुछ कर सकूँ, बट मुझे सुकून नहीं मिला. And then Finally, वो होता है ना, कोई चीज़ ट्रिगर करती है. आई थिंक ये जो मीडिया है उसने मुझे ट्रिगर किया. मैंने टीवी लगाया और आई सॉ ऑल दोस नेगेटिव न्यूज एंड ऑल, तो उसने मुझे एकदम, मैं उस वक्त अपनी क्लास फोर को पढ़ा के आई थी, तो मुझे सडनली लगा कि ये क्या हमारे बच्चे ये देख रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी. तो उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू, मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी कोई कुछ करता क्यों नहीं, कोई कुछ करता क्यों नहीं, इतना कुछ हमारे मुल्क में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रेनिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ये जो हर वक्त बोलती रहती हूँ कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है, तो आई एम दैट समबडी, वाई शुडंट आई स्टार्ट एंड डू समथिंग. तो उसी दिन मैंने बैठ के ये अपना ग्रुप बनाया और उस दिन से मैं बस ऑन द गो हूँ. मैंने स्टार्ट किया था बाय ट्रेनिंग, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स में जाओ आप देखते हो नर्सेस को ट्रेनिंग, नॉट उनके काम की, उनको ट्रेनिंग नहीं है ह्यूमैनिटी की कि लोगों से कैसे बिहेव करना है. आप रेस्टोरेंट में जाओ आपको वेटर के पास ट्रेनिंग नहीं है, आप सैलून में जाओ लड़कियों को पता ही नहीं है कि किस तरह बात करनी है, आप स्कूल में जाओ टीचर्स को नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, एक पानी या वॉशरूम जाने की उनको पे वो रोक रहे होते हैं. जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ह्यूमैनिटी में वो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस. मैंने पहले क्लीनिंग स्प्री पे गई, अपने साथ सारे वर्कर्स को लिया, फिर मैं क्रिसमस आया उसमें बच्चों को जाके मैंने गुडीज दी, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज अबाउट एवरीबडी. तो उसके बाद फिर मैंने केयर फॉर एल्डर्स, आई गॉट ऑल माय स्टूडेंट्स एंड मैंने उनको कहा कि यू ऑल हैव टू डू एक प्रोजेक्ट करना है, अपने अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है.
अच्छा, उधर से फिर स्टार्ट होता होता, फिर देन आई स्टार्टेड, आई मूव्ड ऑन टू ये किस मंथ की बात करी है, जब कोरोना हिट किया था ये, तब की बात नहीं नहीं करी? नहीं 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 कोरोना अच्छा कोरोना बाद में आया, मैं ये सारी चीजें अच्छा धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था और मैं खाने को इतना इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं रही थी उस वक्त। तो हाँ कोरोना कोरोना जब स्टार्ट हुआ है तो मैंने शुरू में कोरोना पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, टूथपेस्ट, सैनिटाइजर, ब्ला ब्ला। फिर मैं सारे इंटीरियर लाहौर में जाके जगह जगह सबको लेक्चर्स दिए कि किस तरह अपनी केयर करें क्लीनलीनेस के ऊपर। देन फाइनली आई रियलाइज कि पीपल डू नॉट हैव फूड। तो उसके बाद फिर मैंने राशन पैक्स की, और मैंने मुझे किसी से मांगना एज सच नहीं पड़ा, मुझे खुद ब खुद मेरी फ्रेंड्स ने, और लोग इतना देते हैं, इतना देते हैं जब एक ट्रस्ट वैल्यू हो कि ये बंदा सही जगह लगाएगा। मुझे इतना मेरी फ्रेंड्स फैमिली ने पैसे भेजे हैं और मैं उससे सारे राशन पैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फिर अभी हम 500-600 लोगों को रोज सहरी और अफ्तारी करा रहे हैं डिफरेंट जगह लाहौर में। आपकी और कितनी बड़ी टीम है? तूबा, मेरी टीम, मैं अकेली थी बट इतने स्टूडेंट्स हैं, दे वॉलंटियर्ड एंड दे ज्वाइन मी and they are working with me without any money, they're just doing this in this time of corona. वो सुबह अच्छा सहरी के वक्त निकलते हैं और सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइज मैंने किया है, पेमेंट्स करती हूँ, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन मैं अकेली तो कर नहीं सकती थी। तो दिस हैज ऑब्वियसली गिवन मी दैट आइडिया और विजन और दैट मोटिवेशन टू कंटिन्यू, कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू आपका करूँ। एक्सपीरियंस है काफी, और इस तरह काम करने का, ऐसे के साथ आपने काम किया है और भी किया है, बट व्हाट मेड यू स्टार्ट योर ओन थिंग? लाइक उनकी उनके उस सिस्टम में कोई फ्लॉ था, या कोई ऐसी चीज थी जो आप अपने तरीके से करना चाहती थी, या तो सारे अपनी जगह अच्छा कर रहे होते हैं बट आई फील कि कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दफा कुछ होता है तो सारे आ जाते हैं सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए और सब कुछ, उसके बाद फिर सब बैक गायब बैक हो साइड जाते हैं? जाते हाँ हैं। गायब हाँ, हो। तो एक कंसिस्टेंसी है, जब तक आप एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उस पर्सन के साथ नहीं करोगे जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आपको वो, आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो फीलिंग ही नहीं मिल सकती। तो आई फेल्ट दैट वॉज लैकिंग, और मुझे लगता था कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सक रही जो बीइंग इन दैट, क्योंकि वहां पे हमारी हर चीज में पॉलिटिकल और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आई आ फेल्ट जाती कि है। नहीं, आई डू इट माई सेल्फ एंड आई डू, थोड़ा करूँ अच्छा करूँ। तो अलहमदुल्ला बिल्कुल विद इन कोरोना मेरा स्टेप 10 से 100 पे पहुंच गया काम, अलहमदुल्ला। एंड सो आई हम थिंक थैंक ये यू थैंक यू। हुजैफा भी इस बात से एग्री करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैसे वो एक वो यू गाइस रेडी फॉर दिस बिग स्टेप जो आपके, मतलब ऑब्वियसली कोरोना वाज सो अनप्रिडिक्टेबल, किसी बिजनेस ने सोचा नहीं था ये आके हिट करेगा। सो डिड यू गाइस प्रिपेयर फॉर इट? आप लोग को पता चल गया था कितनी जल्दी कि ये क्या हो रहा है, और अब आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, और आप लोग के ड्रीम कम ट्रू होने वाला है काम करने का? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप एवरीवन कैन हियर मी। यस एक्चुअली रिस्क हमने 5 साल पहले शुरू किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिफोर द कोविड हिट पाकिस्तान, हम लोग पिछले 5 सालों से वी आर वर्किंग ऑन फूड वेस्टेज एंड हंगर इरेडिकेशन इन पाकिस्तान। और हमारे जितने भी सिस्टम्स बने हुए थे, हमने पिछले 5 सालों से हम लोग काम ही इसके ऊपर कर रहे थे कि हाउ सिस्टमेटिकली यू हैव टू चैनलाइज फूड। सो वी आर अ फिलैंथ्रोपी चैनलाइजेशन प्लेटफॉर्म। सो वी टेक प्राइड आवर सेल्फ इन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू चैनलाइज रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो जब ये क्राइसिस आया तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी बनी हुई थी जो हम इस तरह की क्राइसिस के लिए यूज करना चाहते थे। सो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन की फिलैंथ्रोपी होती है, लेकिन इम्पैक्ट नजर नहीं आता, वो जाया हो जाती है। सो हाउ टू टैकल दैट फिलैंथ्रोपी? सो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने काम शुरू करना शुरू किया, सो हमारी क्योंकि 5 साल से राशन दे रहे थे, राशन के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप थी, हमारे अपने फूड बैंक्स थे जहाँ पर फैमिलीज एनरोल होती हैं, उनको राशन दिए जाते हैं, लोकल कम्युनिटीज से प्रिक्योर करके उनको फिर लाइवलीहुड के अंदर कनेक्ट किया जाता है। एंड इट्स एन एंटायर जर्नी हाउ वी थ्रू फूड वी पिक आउट अ फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी। सो जब कोविड आया तो हमने अपना सारा जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म था वो डिफरेंट एनजीओ के लिए पब्लिक कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड लाहौर 12 से 15 एनजीओ हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। इससे पहले हमने एहसास प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि अगर गवर्नमेंट 10 लाख राशन पाकिस्तान में देना चाहती है तो दे कैन यूज आर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म।
तो वी वर वेरी क्लोज टू गेटिंग दैट एज वेल, वर्किंग विद एहसास प्रोग्राम विद द गवर्नमेंट. तो लोगों को पता नहीं है लेकिन हम बैक एंड पे इन चीजों में कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और कुछ लोकल बॉडीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे. और क्योंकि हम लोग ज्यादा मशहूर हैं फूड वेस्टेज के ऊपर, तो हमारी वो टेक्नोलॉजी अच्छी थी. सो बिफोर कोविड वी वर अबाउट टू लॉन्च आवर प्लेटफॉर्म कि किस तरह पंजाब भर के अंदर 1200 FBOs को कनेक्ट करने लोकल एनजीओस के साथ जो कि खाना अपनाए उन्हें से बचा सके. चलिए अब हम आते हैं निदा की तरफ. लेकिन वी वर वेरी रेडी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला फेज जो था उसमें 15,000 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर सेकंड फेज व्हिच इज अबाउट 1,00,000 राशन जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है. अच्छा जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर मूविंग टू निदा, वो इसी बात से है, मैं हुज़ैफ़ा से पूछना चाहती हूं कि जो आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज थे कि हम वो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करें, तो एज अ स्टार्टअप कैन यू जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल मोर ऑन द टेक्नोलॉजी बिट दैट यू टॉकिंग अबाउट. आप ऐसे इमेजिन कर सकती हैं, सो इन अ नटशेल इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, इट्स लाइक एन ऊबर एंड करीम. सो एसेंशियली हमारी टेक्नोलॉजी ये थी कि ग्रास रूट के अंदर रिस्क हर जगह नहीं हो सकता, हर ग्रास रूट कम्युनिटी में नहीं हो सकता. तो मुझे हर जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ऊबर करीम को हर गाड़ी ओन करने की जरूरत नहीं है. सो मेरी जो ग्रास रूट टेक्नोलॉजी है हेल्प मी टू आइडेंटिफाई डिमांड एट ग्रास रूट. जो ग्रास रूट कम्युनिटी एनजीओज हैं वो मुझे डिमांड वेरीफाई करने के अंदर, ग्रास रूट हंगर को आइडेंटिफाई करने के अंदर मेरे सर्वे के थ्रू प्लेटफॉर्म को इंटीमेट करती है. प्लेटफॉर्म जो है वो सेंट्रल है, जो कि कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्टेड है, डोनर्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि डिमांड के ऊपर अडेप्ट करता है और रिसोर्सेज जहां पर जितनी चाहिए उनको चैनलाइज करता है. सो फिलैंथ्रोपी मॉडल के अंदर इट्स एन ऊबर एंड करीम. मैं किसी भी जगह को थर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अपना फूड बैंक बना सकता हूँ विद इन couple of days just by implementing my technology and training the local team over there, and they can help me gauge the demand. So it's a platform which is plugged everywhere in the grassroots communities, helping to identify demand. Okay, yeah, that's great. Got it. So ab hum aayenge Nida ki taraf. Nida, how was your experience working for COVID-19? अच्छा तुबा, मैं तो पिछले कई सालों से जब भी कोई डिजास्टर आता था तो वो आपका एक होता है ना एक इनर फीलिंग कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. वो फिर जलजिला हो या फिर वो सवात वाला ऑपरेशन हो या कुछ भी हो. सो जब कोविड आया तो फॉर टू डेज आई वाज सो अपसेट. और एट अ पर्सनल लेवल मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि क्योंकि हमारा किचन थे सो हमने खाना पकवाया तो गुड 100-200 पीपल एंड वी डिसाइड कि लॉकडाउन शुरू हो गया तो हम बाहर जाते हैं यू नो विद ऑल प्रिकॉशंस और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते. पहले दो दिन जब हम सड़क पे निकले एक सन्नाटा, ए फ्यू पीपल ऑन द रूट, ऑटो वाले हमें मिले, हम वो 100-200 खाने बांट के आ जाते थे. देन देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु कॉल्ड मी और जब मैंने आपको हुज़ैफ़ा को भी रिकमेंड किया तो हमें फिर एक कॉल आई कि आप अपने किचन को अगर ऑपरेट करें और कुछ प्लान्ड मील्स फॉर द कोविड पेशेंट्स बनाने शुरू करें. फिर हमने जैसे घर की रोटी की रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमने कलौंजी, जिसमें हमने अजवाइन, जिसमें हमने जीरा डाल के आटा गूंदना शुरू किया और उसकी रोज 100-200 रोटी बनती थी और वो भी स्टार्ट विद सर्विसेज हॉस्पिटल and then we start giving it to expo ke kuch logon ko aur fir humne jinnah hospital ke sath kuch kaam kiya. Iske sath sath hi fir ye requirement aane lagi ki jo front line doctors the aur unka ek data aana shuru ho gaya. Fir humne isme do organizations and do log who were the basic backbone behind me. One who is Miss Irfa, she is the one who runs a foundation Dastaras. Bahut hi haseen khatoon hai, unhone mujhe Dastaras se bahut social support kiya. A part of it Rotary ke kuch members main janti bhi nahi hu jinko they supported a lot. Bahut sare aise commercial brands jinko jab maine email kiya ki mujhe doodh ki requirement hai, mujhe pani ki requirement hai, they supported a lot. Meri family, and that's how we started with 20 basic meals of those patients. And फिर एक time आया कि जब camp jail के 59 patients on board आ गए, उनको positive आ गया corona. And अब तक तकरीबन पिछले 1.5-2 महीनों में तकरीबन 150 plus patients completely recovered and they went back to their houses.
और सुबह नाश्ते में हमने एक कैलोरी काउंट किस्म का हैवी किस्म का एक नाश्ता प्लान किया। कोरोना पेशेंट्स के लिए कोई स्पेशल मील होता है या नॉर्मल लाइक? नहीं नहीं ना उनके लिए कोई बहुत खास इस तरह से, दे आर ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट जिसमें हम अंडों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। मैं ग्रिल्ड बारबेक्यूज कॉन्शियस लेवल पे बहुत ज्यादा भिजवाती हूँ ताकि प्रोटीन जाए अपार्ट ऑफ इट। उसके अलावा बिल्कुल रेगुलर खाना होता है, सिर्फ आटा जो है उसमें हमने जौ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और उसमें हमने कलौंजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। और ये सब चीजें हम साथ साथ डॉक्टर से डिस्कस करते जा रहे थे और दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। बल्कि आजकल जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि हम PKLI के सारे स्टाफ का इफ्तार भी प्लान करते हैं और उसके साथ साथ कोरोना के 3 टाइम का खाना भी जाता है। तो एक्चुअली हमारी किचन जो शुरू में पहले 5 दिन ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा हायरिंग्स करनी पड़ी जो मेरा स्टाफ था मुझे रोकना पड़ा। और इस वक्त हम बजाय 2 वक्त के खाने के 5 वक्त का खाना तकरीबन प्लान कर रहे हैं और कुकिंग हो रही है और पैकिंग हो रही है। तो इस टाइम पे आपके साथ कितने किचन हैं जो एक्टिव हैं? एक्चुअली आई वर्क फ्रॉम होम सो मेरा क्योंकि जो मेरा मैंने जितने भी मेरा बेसिक स्टाफ था उस सबको अपने पास रोक लिया था, आई डोंट लेट एनीबडी गो। और पिछले 2.5 महीने से जब से हम ये काम कर रहे हैं ना कोई गया है और ना कोई आया है। सो जो हमारी बाइंग वाली टीम है सारी की सारी और हम तो फिर कुछ वक्त के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं हमारी जितनी टीम वो फिर अंदर ही रहती है, उसको बाहर जाने का कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैं बाहर नहीं जाती हूँ अभी कुक और फिर हम उसको एक क्लिंग करते हैं और फिर हम उसके पैकेट्स बनाते हैं और फिर हम उसको रेलेवेंट जगहों पे भिजवा देते हैं। अच्छा अच्छा अब मेरा एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है मेरे माइंड में, अगर एक बंदा आपको 1 लाख रुपए चैरिटी देता है सो वो चैरिटी से इम्प्लॉइज के और जो लोग वॉलंटरली भी काम कर रहे होते हैं, मतलब एक ऑपरेशन के पैसे भी तो लगते हैं किसी भी चैरिटी बिजनेस को, तो वो चैरिटी में से ही कटते हैं उनकी अर्निंग चैरिटी की किस तरह? नहीं, इस पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कैटेगोरिकल सी बात है क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि हमने काम ना करवा के भी अपने स्टाफ को सैलरीज देनी देनी थी, हमने अपने रेंट हमने अपने बिल्स देने ही देने थे, इधर वी आर वर्किंग और वी आर नॉट। सो जब हमें ये फंड्स आने शुरू हुए तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे जितने कुक्स हैं हमारे जितने हेल्पर्स हैं यहाँ तक कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी नाश्ते वाला खुद बेयर करता है। That's one of the reason के सिर्फ जो खाना basically आता है उसकी जो cost है और वो भी उन prices पे जैसे मेरे दूध की जो भी price आ रही है मुझे fresh की तरफ से बहुत अच्छे discount पे दूध आता है, मुझे spring break की तरफ से बहुत अच्छे discount पे पानी आता है। so, सिर्फ हम वो cost meet करते हैं उसमें भी बहुत हद तक पैसे डल जाते हैं because हमारी अपनी भी contribution। So, अगर मैं ये बात हुज़ैफ़ा से पूछूं तो how do you explain the business model of charity business? एक मिनट। Oh, हुज़ैफ़ा can't hear you. You're mute. Okay. हाँ, या आप बताएं। So, a conventional charity model अगर आप पढ़ती हैं, if you read any global model, any local model, so there are standard admin charges. A conventional charity runs on 2 things. एक होती है उसकी एडमिन कॉस्ट जो कि डिडक्ट की जाती है फ्रॉम द डोनेशन। सो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अराउंड द ग्लोब आर फ्रॉम 8-12% एंड सम ऑफ द चैरिटीज गो अप टू 15%। एंड द अदर्स आर कि कुछ चैरिटीज अपने अंदर एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल भी क्रिएट करती हैं। सो दे आर ईदर दे हैव इन्वेस्टेड इन सम थिंग्स और दे आर डूइंग सम पार्शियल बिजनेसेस जो कि उसके अंदर ही उसके एम्बेड होता है ताकि वो उनको सस्टेन कर सके, लोगों की सैलरीज को सस्टेन कर सके। या कई दफा इसकी चीज होती है कि चैरिटीज आर इन कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेन कॉर्पोरेट्स सर्टेन कंपनीज हु आर बेयरिंग द एडमिन एक्सपेंसेस। सो ये 3 different cases बहुत नॉर्मली चैरिटीज के अंदर देखे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस मॉडलिंग। सो जो भी चैरिटी काम करेगी इनमें से एक में से किसी 3 मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ होगा उसने। दीज आर द जनरल प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है कि वी टेक स्टैंडर्ड एडमिन चार्जेस जो लोगों को एक्नॉलेज करवा देते हैं कि हम इतने चार्जेस हैं जो कि लॉजिस्टिकली लगने हैं, पैकेजिंग में लगने हैं, एडमिन की कॉस्ट है,
that will be deducted, which is very convenient for the donor to understand, and which is very convenient for everyone who is donated to understand. So this is how the business model works. और अगर मैं ये अलखिदमत से पूछूं तो उनका बिजनेस मॉडल अगर आप हमें थोड़ा सा समझा दें ज़रफ़शा। हाँ जी, तो हमारे यहाँ दोनों तरह की सूरत हाल है। पहली तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो अलखिदमत की कोर टीम है या जो वॉलंटियर्स हैं, वो खुद एक सबसे बड़े डोनर हैं। वो खुद अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अलखिदमत को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस चीज की भी जरूरत हो, जिस शक्ल में इन काइंड हो या कैश हो, लेकिन वो खुद दे रहे होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी। लेकिन कुछ ऐसा स्टाफ भी होता है जिसे पेडली हायर किया जाता है, और उसके बगैर हमारे जाहिर कुछ काम नहीं हो सकते। जैसे अगर एक ट्रक लोड करवाना है आटे का, उसके लिए हमें लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो इस तरह की हमारे पास जो स्टाफ हो या पेडली जो हमारे पास लेबर हो, उसको हम अपने फंड से जो जो उसकी जरूरियात हैं, जो जो उसकी मंथली तयशुदा सैलरी होती है, वो उसको दी जा रही होती है। इसी तरह अभी कोविड 19 की कंपेन में भी हमने खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा कि हमारा कारकुन वॉलंटियर जो खुद से दे रहा है, वो तो बिल्कुल किसी जाती गर्ज या अपने किसी फायदे को पेश नजर नहीं रखता, कुछ भी अलखिदमत से लेने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो सिर्फ अल्लाह ताला से सिला और अजर चाहता है। लेकिन हमारा वो कारकुन या वो हमारा वर्कर जो पेडली है, जैसे मेरे इदारे का कोई पियन है और उसने अब अगर सामान आ भी रहा है और जा भी रहा है और उसने 24 घंटे ड्यूटी करनी है, तो हम उसका स्पेशली ख्याल भी रखते हैं। उसकी जो बुनियादी जरूरियात हैं, राशन की उसको जरूरत है या किसी किस्म की मेडिसिन की उसको जरूरत है, तो इन फंड से हम उनको वो चीजें प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं कुछ परसेंट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम फंड इस्तेमाल ना करें। असल में लोगों की एक परसेप्शन की बात कर रही हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जकात निकाली और मैं 100% मतलब मैं अपनी जो कि जितनी मेरी बनती है इक्विवेलेंट उसके ही, अगर उसमें से किसी की तनख्वाह जा रही है और वो मुझे इल्म है कि वो चीज किसी और चीज में भी इस्तेमाल हो रही है, तो फिर हो सकता है कि मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देने चाहिए उस सर्विस के लिए, या मुझे सिर्फ उतने ही पैसे देने चाहिए जितने मेरे ज़कात बनती है या जितना मैंने सदका देना है। देखिए, ये डिपेंड करता है कंडीशनली कि आप काम क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर रमजान मुबारक में हमारे दो तरह के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट राशन का होता है जो हमें बड़ी तादाद में राशन आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, और बाज़ोकात हमें उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट के बिल होते हैं जो पे करने होते हैं, लेबर्स के बिल होते हैं जो पे करने होते हैं। तो कंडीशनली रमदानुल मुबारक में ये एक बड़ा खर्च है जिसको मैनेज करना ही करना होता है ना। और ज़कात से मैं आपको, क्योंकि एक कुरान की टीचर भी हूँ, तो इस हवाले से जरूर आगाह करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में सूरह बकरा में ज़कात के मसारिफ में इस बात की इजाजत दी है कि वो लोग जो अल्लाह सुबहानहु ताला के काम को या इंसानियत की खिदमत को, दीन की अशात को सर अंजाम देने के लिए अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी सलाहियतें दे रहे हैं, उनकी जरूरत पर भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जरूरत होती है वहां हम करते भी है ना। लेकिन मोस्टली हमारे क्योंकि अलखिदमत के तो वॉलंटियर्स हैं, और वो वॉलंटियर्स हैं कि जिन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। करेंगी कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने वॉलंटियर्स इस टाइम पे कोविड रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैं बिला मुबालगा ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त लाखों की तादाद में अलखिदमत के वॉलंटियर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड 19 के कैंपेन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और अगर सिर्फ खवातीन की ही बात करें तो हजारों की तादाद में ऐसी खवातीन हैं जो हमारी सुबह शाम ये काम सर अंजाम दे रही हैं, और हर महाज पर। यहाँ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक खातून वो भी है जो अपने घर से बिल्कुल करीब तरीन जो उसके नेबर्स हैं, महल्लेदार जो होते हैं, उन तक पहुंचने का काम, उनकी जो जरूरत है वो पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो हमारे वो वॉलंटियर्स भी हैं जो हमारे अगर ग्रैंड फूड प्रोजेक्ट है तो वहां पे सुबह शाम पैकिंग के लिए मौजूद हैं, या अगर हमारा कोई ऐसी कैंपेन जिसमें कुछ कैंपिंग कैंप्स लगाए जा रहे हों,
या हमें लोगों से रابطे करने हो, या हमें लोगों की जरूरियात को सुनने के लिए उनके सेशन करने हो। जैसे मैं आपको यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि अलखदमत खवातीन के सेंटर्स हैं, ये हमारे स्टडी सेंटर्स इस तरह से काम कर रहे थे इस कंपेन से पहले कोरोना की। सुबह शाम ये चलते थे और यहाँ आने वाली खवातीन को एजुकेट भी किया जाता था, अवेयरनेस दी जाती थी, मुख्तलिफ स्किल ग्रूमिंग कोर्सेज करवाए जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, तो अब हम ऑनलाइन सुबह शाम हमारे अफराद लगे हुए हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए और उन्हें एक्टिव रखा जाए, प्रोएक्टिव काम किया जाए। जबरदस्त। अच्छा, मैं अब मैं मुबीन से पूछना चाहूंगी कि मुबीन, इवन दो थोड़ा सा आपने जो अपना पहले बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया, आपने कहा कि वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा फर्क है बिकॉज यू आर द मेन इंडिविजुअल और बाकी आपके जिस तरह स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड हैं, तो उसका थोड़ा सा मॉडल आप मतलब एक्सप्लेन करती है कि एक अगर स्टूडेंट तो वॉलंटियर, तो फिर वॉलंटियर है वो, हो सकता है एक दिन हो अगले दिन ना हो, तो लेट्स से कि इस सिचुएशन में आप अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह मेंटेन करती हैं, उनका मोटिवेशन लेवल, उनको कोई स्टाइपेंड दिया जाता है, किस तरह से आप अपने स्टाफ को मैनेज करती हैं? गिविंग ट्यूसडे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो गिविंग ट्यूसडे पाकिस्तान है, मैं उसकी भी जनरोसिटी एम्बेसडर हूँ। तो उसके बहुत सारे जो हैं वर्कर्स वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली, तो लेकिन वो भी सब वॉलंटियर्स हैं। तो वी आर तो जस्ट लाइक काइंड ऑफ वी आर अ बेबी इन दिस थिंग, बट हम वी आर लर्निंग विद। तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ अलखदमत एंड निदा एंड जो रिस्क वालों से, इंशाल्लाह आई विल आल्सो ग्रो। बट द थिंग इज चैरिटी जो है, चाहे वो एक इंसान को आप खाना खिला रहे हो, चाहे आप 100 को खिला रहे हो, चैरिटी होती है। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि सिंस आपने भी मेंशन किया है कि यू आर डूइंग सच गुड वर्क, तो इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आपको किसी सर्टेन ग्रैंड लेवल तक पहुंचना है। आप जिस लेवल पे हैं, अगर आप लेट्स से उसी को मेंटेन कर लें, तो इवन दैट्स अ बिगर अचीवमेंट इन इटसेल्फ। आई बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट डूइंग इट विद योर हार्ट एंड विद ऑल सिंसेरिटी। तो आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था, तो आई डिसाइडेड कि मैंने बड़ों को टारगेट नहीं करना, क्योंकि उनके जो माइंडसेट्स हैं उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको मैं रोज इंटरेक्ट करती हूँ। तो आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स, कि वो बच्चे जो हैं जिन्होंने आगे हमारी मतलब हमारा मुल्क चलाना है, उन बच्चों में चेंज आए और वो इस्लाम और जो है ह्यूमैनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाएं। तो माय विजन इज अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज आई बिलीव चैरिटी सिर्फ फूड नहीं है। चैरिटी एक सैड इंसान को आप एक स्माइल देते हो, वो भी चैरिटी है। आप किसी का दुख बांटते हो, वो भी चैरिटी है। तो बट इस कोरोना ने मुझे लाइक आई एम प्लानिंग मैन से माय other people, I'll take advice from them also, because I want to continue with the food thing also, ki main ek aisi permanent jagah banau jisme main roz sabko khana khilau and without money. To naturally uske liye mujhe donors bhi chahiye honge, aur I think agar intention ho to aapko sab kuch hota hai, sab kuch milta hai. अच्छा हुज़ैफ़ा, मुझे एक बात बताएं कि अब जैसे रमजान खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली रमजान में वैसे ही लोग ज़कात निकालते हैं और बहुत ज्यादा फंड्स देते हैं, सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर बिजनेस सस्टेनेबल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो कि ऑलरेडी अभी से लोग कह रहे हैं कि मतलब सबसे ज्यादा पीक आने वाली है हमारे मुल्क में कोरोना की? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू हैव। सो ऑर्गेनाइजेशंस एज लाइक एज मी आर doing this for the entire year. So, हम लोग पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और हर साल कर रहे होते हैं। So, for us, it's not a question कि हमने एक charity drive करनी थी। Organizationally, जब हम बैठे before the crisis, जब हमने एक policy किसी ने देना था, तो it was a decision upon us कि क्या हम यहाँ पे drive करने जा रहे हैं, या are we going to imagine कि ये problem का magnitude कितना बड़ा होगा? So, हमने थोड़ा सा decision को लंबा किया। हमने before we came up with the COVID strategy, we took some time. वो टाइम हमने इसीलिए लिया था कि हाउ व्हाट शुड बी आवर पॉलिसीज। तो आवर पॉलिसी फॉर कोविड इज टू फीड पीपल सस्टेनेबली। सो हमने कम्युनिटीज को सस्टेनेबली फीड करना है, जिसमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, अगर हम कोविड से पहले जाते हैं, सो रिस्क अपने फूड बैंक्स के अंदर सब्सिडाइज्ड राशन के प्रोग्राम्स रन करता है। सो आवर
programs were designed in a way that they were sustainable. Wo communities se procurement ki thi, local communities were also paying some of the price taki hum kitna sustainable leke aaye logon mein dependency kam kare aur un families ke sath jinke sath hum kaam kare unko hum livelihood mein wapas shift kare. So we share their data with so many other organizations who are working to put them on job, to put them on skills, to put them to provide them blue collar jobs. So हम काफी ज्यादा अपना एक क्योंकि डेटा बहुत क्लीन कलेक्ट कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी. सो अभी जैसे मेरे फूड बैंक्स के अंदर रोजी इज माय पार्टनर, रोजी इज प्रोवाइडिंग जॉब्स, सुपर टास्कर इज माय पार्टनर, घर पर इज माय पार्टनर. घर पर के अंदर से औरतें सैलून की ट्रेनिंग्स के लिए जाती हैं, देन दे एंड अप बीइंग हायर्ड बाय देम. सो मेरा जो प्रोग्राम है, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अभी फिलहाल जॉब्स पे भी मतलब ऑब्वियसली वी ऑल आर आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, अगले रेस्टोरेंट ना खुले 3-6 महीने, लेकिन राइडर्स और डिलीवरी बॉयज की डिमांड बहुत बढ़ रही है. So, आपने सिर्फ स्मार्टली देखना है कि किस सेक्टर के अंदर क्या नीड है, एंड दैट इज हाउ यू अडैप्ट. सो स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट रैपिडली अडैप्टिंग द नीड ऑफ द मार्केट एंड चेंजिंग योर नीड्स. और मैंने अपनी फोरकास्टिंग ऐसे की हुई है कि हमने उस पैसे से मजीद पैसा कैसे जनरेट करना है. सो मैं अपनी कम्युनिटीज के अंदर कितनी सब्सिडी दूंगा जिससे मैं एक लंबे अरसे तक अपने जो फूड प्रोग्राम्स हैं उनको रन कर सकता हूँ. और मैं मजीद जो है आई एम लॉन्चिंग मोर सस्टेनेबल प्रोग्राम्स ऑन ग्राउंड. मेरे जो फीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें सस्ते खाने के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसीलिए कि हम मजदूर तबका जो कल को जॉब पे जाएगा उनके लिए चैलेंज ये नहीं होगा कि खाना कहाँ से मिल रहा है, उनके लिए चैलेंज ये होगा कि उनके पास बहुत कम इनकम होगी. उस कम इनकम के अंदर आपने कितने मल्टीपल फूड पॉइंट्स शहर के अंदर क्रिएट करने जो कि सस्ता खाना दे रहे हैं, जो उनकी पॉकेट पर हैवी ना पड़े, एंड दे कैन हैव एंड अप सेविंग दैट कैन गो बैक टू देयर होम्स. So, आपको हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, हाउ टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अक्रॉस पाकिस्तान दैट इज सस्टेनेबल अक्रॉस. ठीक है. सो आपने भी पंजाब से बाहर अपना सिस्टम कोई शुरू किया है किसी और सिटीज में, या जस्ट स्टिक टू अभी फॉर नाउ यू आर स्टिक? वी हैव मेजर ऑपरेशंस इन पंजाब, बट वी आर वेरी सून मूविंग आउट इन कराची. So we are going to be a national movement by inshallah couple of months. हमारी कुछ कंपनी से बात चल रही है. And we are launching our food banks in Karachi as well. Okay, inshallah. Excuse me, Tuba. मैं हुज़ैफ़ा की इस बात को बहुत appreciate करना चाहूँगी, क्योंकि मैं और अलखिदमत इस बात पर बहुत हम लोग सोच रहे हैं और हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम लोगों को हमेशा के लिए मांगने वाला ना बना देना, यानी वो हम पर या किसी पर भी डिपेंड करने वाले ना हो. और इस वक्त तो जो पूरे मुल्क में सूरत हाल है और मोस्टली बेरोजगारी जितनी तेजी से बढ़ चुकी है, हमारे नौजवान हो या बिलखसूस वो खवातीन, एक अच्छी वर्किंग वुमेन टीचर थी, वो ब्यूटिशियन थी, वो किसी भी जगह किसी भी तरीके से बाहर वाले इज्जत के साथ अर्निंग कर रही थी, वो इस वक्त बिल्कुल जॉबलेस होके परेशान बैठी हुई है ना. तो हमने भी इसके ऊपर वर्क किया है और हमारे जितने सेंटर्स हैं, हमारे वोकेशनल सेंटर्स हैं, सिलाई सेंटर्स हैं, या कंप्यूटर डिजाइनिंग कोर्सेज जो हम करवा रहे होते हैं, और जैसे हुज़ैफ़ा आपको बता रहे हैं ना, हम खुद इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको मजीद बढ़ाएंगे कि इस वक्त हमारी जो यूथ है, खुसूसन हमारी जो बच्चियां हैं, और अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां होने के बाद वो फारिग बैठी हुई हैं, या वो टीचर्स हैं जो पहले अच्छा भला उनको सैलरी मिलती थी, उनको स्कूलों से फारिग किया जा रहा है, हम उनको आईटी के कोर्सेज करवाएंगे इंशाल्लाह. फ्री कोर्सेज होंगे, ये ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, सर्टिफिकेटेड कोर्सेज होंगे, ताकि वो आगे जाके अपनी इस स्किल से फायदा उठाएं, उनको वो रोजगार मिले जो सारी जिंदगी इनके काम आए और वो लोगों पे डिपेंड करने वाली ना हो. आई सेकंड दैट. ये बात वेरी नाइस, वेरी नाइस. वो अच्छा निदा, आपने खाना बनाने पे वापस चले जाना है या इसको आपने जब बहुत ज्यादा फोन आने शुरू हुए उन लोगों के जो कि जॉब्स कर रहे थे एंड दे लेफ्ट विद नो वर्क, सो मुझे फिर अपनी एक पिछले दिनों में ही
I launched another company of mine, which is actually Delivery Wale. Or we are very actively working in Lahore at the moment. Or humne socha bhi nahi tha ki writers itne overbooked hain, jiske mujhe personally writers to chahiye hi hote hain apni deliveries ke liye. Magar because I'm also part of Connected Women of Pakistan, so unka ek virtual shopping festival humne plan kiya hua tha. Uske saath phir maine apni ye delivery wale ki puri company ke writers ko saath engage kiya. So yes, jo jobs kam hui hain, un jobs ka style of working change hoega. Aur dusra, jaise Mubeen ke saath main इस महीने से पहले आई वॉज फ्रेंड ऑन फेसबुक विद मुबीन वाला फ्रॉम लास्ट टू इयर्स बट इन दिस पर्टिकुलर मंथ वी बिकम सच क्लोज फ्रेंड्स के ऑलमोस्ट हम रोज दिन में बात कर रहे होते हैं फंड्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं कुछ तार मील बॉक्सेस हम वी आर डूइंग टुगेदर इन सो मैनी फ्रंटलाइन वर्कर्स तो मुझे ये लगता है जो मैंने काफी अरसा पहले रोक दिया था कि वो सब लोग जिन्हें कुछ कैपेसिटीज हैं हमें ये जो चैरिटेबल वर्क्स हैं इनको अपने बिकॉज आई एम अ कमर्शियल आइडेंटिटी एक्चुअली सो मुझे अपने अपने कमर्शियल काम के साथ इसको बाय ऑल मीन लेके चलना ही चलना है इसका एक यूनिट जो है वो बस जो बन चुका है मुझे लगता है इसको रोकना नहीं पड़ेगा और दूसरा कि जब मैंने शुरू किया था कोविड के साथ काम करना मुझे लगा था I was not so prepared ke it will be such long time task magar now I am in a position ke Eid wale din bhi mere kitchen mein teen waqt ka khana pakega koi chutti pe jaye na jaye either I have to cook myself and I have to send that food so ye to chalega ye nahi rukega जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली एक चीज मैं निदा से और पूछना चाहूंगी Going back to Nida, what you said earlier कि आपने कहा कि आपने अपने सारे स्टाफ को रिटेन कर लिया और जो आपका किचन स्टाफ है उसको आप बाहर नहीं जाने देती वो अंदर ही रहता है सो कैन यू जस्ट इलेबोरेट अ लिटिल बिट लाइक लेट्स से दैट आपका कितना स्टाफ है जिस तरह से आप उन्हें जाने नहीं देती आर यू प्रोवाइडिंग देम लाइक रेजिडेंस इन योर होम इन योर क्वार्टर्स हाउ कम यस दे आर ऑल विद मी एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल इन टोटल And जो हमारी राइडिंग वाली टीम होती है इट्स somebody who came and who went out. और जब हमने इसको शुरू किया तो मुझे इसकी सीरियसनेस का अंदाजा शायद उसी दिन हो गया था जब पहले ही दिन आई टॉक टू फ्यू MS मेरी बात हुई जब सर्विसेज हॉस्पिटल के आइसोलेशन इंचार्ज से फिर मेरी जिना हॉस्पिटल के आइसोलेशन तो मुझे लगा कि इट्स नॉट गोना बी अ 20 Because, you know, I'm a simple woman. मुझे पहले दो दिन तो इतना गया है कोरोना एंड आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली और मुझे क्या हो रहा है और ये और पूरी रात यही स्टेटस चला सुबह उठ के मैंने जिस जिस को फोन किया उसने कहा कि तीन दिन पहले मैं भी इसी स्टेटस में थी चार दिन पहले तो मुझे लगा यार इट्स अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू फाइट एक्चुअली इसका और तो कोई हल नहीं है सो ये मुझे तभी समझ में आ गया था तो जो मेरा कुछ स्टाफ का पार्ट इज फ्रॉम लैया So they are back at their place. So मैंने फिर उन सबको ये समझाया कि जो वहां पे है वो वहीं रुक जाए जो फैसलाबाद के लोग थे वो छुट्टी पे गए हुए थे उनको हमने वहीं पे रोक दिया तो हाँ सो दे आर नॉट बैक पिछले दो महीने से दे आर नॉट हियर सो जो हमारे यहाँ पे हमारा तंदूर का एक बंदा हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी और उसको भी हमें थोड़ी ऑल्टर करना पड़ा कि हमें तवे की रोटी बनानी पड़ी तो हमारे पास जो हमारे दो तरह के कुक्स हैं क्योंकि और हमारे पास दो लोग ऐसे हैं जो पैकिंग में हमें सपोर्ट करते हैं आप यकीन कीजिए कि फॉर अबाउट 25-30 डेज जो मेरी पर्सनल घर की मेड थी यानी हम ही पोछे लगा रहे थे और हम ही सफाइयां कर रहे थे और हर दो मिनट के बाद डिटॉल के स्प्रे सो आई थिंक ये हर घर में यही हर किसी ने किया आजकल तो हर घर में ऐसे ही हो रहा है इट वॉज वेरी ये हमारे और हमारे साथ चैलेंज ये बन गया था कि हमें घर का भी करना पड़ रहा था हमें वो वाली सलादें भी काटनी पड़ी थी क्योंकि आपने मिनिमम लोगों के साथ काम करना था सो फिर हमने उन सबको बिठा के ये समझाया कि अभी भी जैसे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि मेरे आधे स्टाफ का मुंह बना हुआ था कि ईद पे जाना सो उनको ये समझाना और काउंसिल करना कि भाई अपने बारे में भी सोचो मेरे बारे में भी सोचो और प्लीज जो तो हम काम कर रहे हैं हम तो ईद पे छुट्टी पे अब नहीं जा सकते और दूसरा इट्स नॉट सेफ तो और हमें उस तरह से
फोन आया हुआ है कि हम नहीं जा रहे, अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल पीपल के यार कि कैसे हो। हाँ यू नो। अच्छा हुज़ैफ़ा आप मुझे ये बताएं कि कैसी फीलिंग आती है, लाइक अगर मैं चैलेंज दे दूं तो मुझे खुद तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि मैंने बहुत नेकी का काम। उन्होंने मुझे कहा कि निदा मेरा तो अपना कुक जो है वो 20,000 रुपया दे के वो काड़ा जा रहा है, सो मैं आपके कुक के लिए क्या कर सकती हूँ। तो यू नो इट्स एवरी हाउस स्टोरी। ये भी है। अच्छा हुज़ैफ़ा मुझे ये बताएं कि मैंने अगर चैरिटी दे दी तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बड़ा नेकी का काम किया है और अच्छा काम किया है। डेली बेसिस पे इतने ज्यादा लोगों को हेल्प करने की क्या क्या ग्रेटिफिकेशन होती है, क्या फीलिंग क्या होती है, लाइक डू यू फील कि आपने बहुत ज्यादा हेल्प की, या आपको अभी कोई ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे इस काम करना था और मैं इसकी तरह मदद कर सकता था, या क्या फीलिंग होती है? एक तो इमोशनल हो जाए आप, जितने लोग काम कर रहे हैं एक तो सबसे पहली फीलिंग ये होती है कि जब आप इस काम के अंदर आते हैं देन यू रियलाइज कि आप जितना काम बढ़ाते हैं आपको पता लगता है कि यू आर नॉट द वन हु इज प्रोवाइडिंग देम, देयर इज सम अदर पावर बिकॉज यू रियलाइज योर मैग्नीट्यूड इन द एंटायर इकोसिस्टम। कि आप जब आप दो दे रहे होते हैं आप सोचते हैं जब मैं 2,000 दूंगा तो मैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। नो, आप रियलाइज करते हैं कि जो इनको पाल रहा था वो कितना बड़ा है। सो आप एक तो हम्बल हो जाते हैं अपने काम के अंदर। आप काम ज्यादा करने से यू डोंट फील प्राउड, यू बिकम मोर हम्बल बिकॉज यू रियलाइज कि आप कितना बड़ा भी कर लें कोई एक और जात है जो ये काम कर रही है, यू कैन नेवर बीट दैट एंड यू कैन नेवर। सो यू जस्ट रियलाइज कि आप कुछ भी कर लें तब आपको बात समझ आती है कि चाहे एक इंसान को बचा लो या 100 इंसान को बचा लो, इंसानियत को बचा लो, एक भी 100 के बराबर 1,000 के बराबर। वो इसलिए क्योंकि जिस मैग्नीट्यूड पर आबादी है, मैं एक अपने घर के आसपास एक 40 घरों की जिम्मेदारी में मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतना मुश्किल काम है रोज उनसे पूछना, लेकिन अल्लाह रोज उनको पहुंचा रहा है, उनके घर तक पहुंचा रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक राजिक बनना, वो तो अल्लाह जिससे बस काम ले लेता है। यू रियलाइज कि आपकी बस यही इंपॉर्टेंस है पूरी सप्लाई चेन में कि ऊपर से आ रहा आपके थ्रू जा रहा है। अल्टीमेट इमोशनल ग्रेटिफिकेशन आप जो कह दें या जो भी लर्निंग कह दें, आप जितना काम फैलाएंगे ना आप उतने स्मॉल अपने आप को फील करेंगे, उतना हम्बल फील करेंगे। और अगर आप इस प्रोसेस में अपने आप को छोटा फील नहीं करें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको रियलाइज करना है कि ये असलियत है। अच्छा दुबई इसके मैं बात करना चाहूंगी जी जी, ये जो चैरिटी है ना, ये मैंने तो जब जब जिंदगी के जिस जिस हिस्से में जिस कैपेसिटी में किया, मुझे लगता है ये नशा है। बहुत शुक्रिया। जो बात अभी हुज़ैफ़ा ने कही बिल्कुल मेरे ख्याल है, ये एक ऑनर है, अल्लाह ताला जिससे लेना चाहते हैं ना उसी को चुन लेते हैं, मुंतखब कर लेते हैं। अगर आप याद करें तो नेकियां या खैर के काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमेशा मुंतखब किया है लोगों को। तो मैं तो यहाँ मुबारकबाद भी दूंगी निदा को भी, मुबीन को भी, हुज़ैफ़ा को भी, और आपको भी सुबह, आपकी टीम को भी, और अपनी सारी अलखिदमत के साथियों को भी, कि ये अल्लाह की तरफ से एक ऑनर है कि अल्लाह ताला हमसे हमारी सलाहियतों को, वक्त को, या हमारे पास जो भी वसाइल हैं माली एतबार से हो, या मैं समझती हूँ वसाइल इस वक्त अपना वक्त देना या अपनी सेहत और अपनी जवानी को लगाना, ये भी बाहर वाले एक बहुत बड़ा डोनेशन है जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को जरूरत है ना। तो अल्लाह ताला की तरफ से इसको ऑनर समझना, लेकिन ये भी जरूर मुझे और आपको एडमिट करना पड़ेगा कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है और अगर अलखिदमत करोड़ों तक, या मैं एक अंदाजन कह रही हूँ कि इस वक्त तक 9 करोड़ तक की हमारी जो चैरिटी है वो की जा चुकी है COVID-19 में, लेकिन मैं ये समझती हूँ ये बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब है कि अभी मजीद काम करने की जरूरत है, और हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। तो आपके रेफरेंस से मैं चाहूंगी कि जो लोग भी इस बात को, हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, वो इस काम में अपना हिस्सा जरूर डालें, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है।
और जो काम खैर के कामों के लिए जो वक्त हमारा इंशाल्लाह और जो वसाइल जो सलाहियतें जो कुव्वतें लग गई इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मरने के बाद भी हमारे लिए सबका जारिया बन जाएंगी और दुनिया में तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हमारे मुल्क और कौम को बहारे दिखाएंगे। तो मैं तो ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि जरूर लोग इस काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। अच्छा मैं पूछना चाहती मैं एक्चुअली मुबीन से यही पूछना चाह रही थी जो निदा ने बात की कि ये एक नशा है। सो दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि यस यू गाइस आर डूइंग दिस वर्क नाउ जैसे हुज़ैफा ने कहा पिछले 5 साल से कर रहे हैं बहुत एक्सपैंड कर गए हैं। कुछ सम ऑफ यू और मेनी ऑफ यू माइट बी दोज जिन्होंने सिर्फ कोविड के दौरान ही ये चीज शुरू की डूइंग इट फॉर द टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। So do you think that once a person has started doing some sort of charitable work, is there any going back? Like at some level? Because jis tarah se Nida bol rahi hai, Nida ka to mujhe lagta hai abhi se burnout level aaya hai. So I want her to get some rest. I'm always like this. Matlab, is so just puchu ki, is there any going back from this? Is there, no. Did you guys get a break? No, there is no end to it. I started it, मैं वो जो बता रही ना कोविड में किस तरह वो पैकिंग करती है मैं आई एम अ फैशन डिजाइनर एंड आई एम अ जर्मन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। बीच में मेरे पास थोड़ा टाइम होता है उसमें मैं लिटरली रोज पैक कर रही होती हूँ गिफ्ट पैक्स और बच्चों को कैंसर हॉस्पिटल में इधर दे रही होती हूँ। आई एम और मैं रात को थकी होती हूँ बट आई फील सो गुड एंड सो सेटिस्फाइड कि मैंने ये काम किया क्योंकि मैं खुद अकेली कर रही होती हूँ। कोविड ने उसको मुझे थोड़ा नेचुरली एक डिफरेंट डायरेक्शन उसमें दी है। अब मैंने जो टीम की बात करें आई चूज जो स्कूल के कैंटीन वाले थे जो लड़कियां घर पे बैठी हुई थी जो काम कर रही थी जिनके पास कोई इस वक्त काम नहीं था मैंने उनको लेकर उनसे खाना पकवाया और हम सारे जितने भी लोग खाना इस वक्त मेरा पका रहे हैं वो ये लोग हैं ताकि उनको खाना भी मिल जाए और साथ में हमारा दूसरा सर्विस पर्पज़ भी सर्व हो जाए कि हम बाकियों को दें। So there is no turning back. This is an addiction. Yes. I feel so good. I would give a kid a goodie bag. I have been doing it since September. And it's not COVID. So now it's in a big way. But I was doing it for Qaid-e-Azam Day. We celebrate Qaid-e-Azam's birthday. I made a goodie bag. And all the kids asked me, who was Qaid-e-Azam? And what was it? So this way, every day, there is an important thing. You can do someone from any excuse. You can do someone to teach someone. We are educated people. This is our biggest charity. Food is an easy job. हमने लोगों को सिर्फ खाना नहीं देना हमने उनको सिखाना है कि वो अगला खाना कैसे कमा के खुद बनाएं। तो आई होप कि हम सब वो ट्रेनिंग्स की तरफ जाएं। आई रियली लाइक जो हुज़ैफा कह रहा था कि वी एंड खदमत में भी कि वी हैव टू ट्रेन देम कि वो आगे से हमारी कौम में ये जो चीज़ है ना वो खुददारी और सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेंटेन रहे और वो तभी आएगी जब वो खुद काम करेंगे। तो हमने लोगों का की बैक बननी है उनको खाना पकाना सिखाना है और काम करना सिखाना है ताकि वो खुद खाएं अपनी फैमिली को खिलाएं और इंशाल्लाह जो है इस्लाम भी और ह्यूमैनिटी भी दोनों ये चीज सिखाते हैं एंड पाकिस्तान इज वेरी गुड इन डोनेशंस बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम डोनेशंस एंड लेट्स डू इट इस तरह से कि लोग काम भी करें और जो है आई मीन वो दिस शुड गो ऑन। आई फील दिस इज एन अमेजिंग थिंग। आई मीन आई हैव रियली एंजॉयड दिस टॉक। अच्छा कैन यू शेयर सम मोमेंट जो बहुत मूविंग था ऑफ ड्यूरिंग कोरोना आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। ये जो है कोरोना का जब कोरोना स्टार्ट हो गया था तो आई वाज गोइंग टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल टू द कैंसर पेशेंट्स वहां पे मीटिंग द पेरेंट्स इट इज सच अ मूविंग इट इज सच आई यूज्ड टू कम आउट क्राइंग। एक पेरेंट को जब ये पता हो कि इस बच्चे ने 2 साल महीना जिंदा रहना है वो चीज जो है ना वो बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल है। और आई थिंक कोरोना ने हम सबको ये सिखाया सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि लाइफ इज सो शॉर्ट और कोई अमीर गरीब अच्छा बुरा कुछ नहीं है एक सेकंड मैटर और पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस वक्त हम जितना भी किसी के लिए कर सकते हैं यानी कि हमारे पास पैसे हैं बट वी डोंट नो वेयर टू स्पेंड तो ये एक एग्जैक्टली इसलिए हमें ये और कुछ हाँ ये चीज
Okay, so what about I want to ask them all a question. Since we're nearing the end of the session, but experience pehle ek sawal puchne jaungi. I want to start with Huzaifa. That so aap logon ne dekha hoga. So what happens is that koi celebrity ya let's say koi bhi banda ek charity ka koi kaam shuru karta hai aur fir wo bahar jaate hain aur 10 videos banate hain, 10 tasveerein lete hain, then they upload it and it's turned into this whole I don't know show or let's say ek wo show off si cheez ban jati hai. Someone like you who's been doing this work for a very long time, like, and all of you, I want all of you to comment ke kya views hai aapke is bare mein, ke is this right, is this wrong, ye hona chahiye ya is cheez ko kis tarah roka ja sakta hai, like I don't know. So just comment. Yeah, for me, I don't think is cheez ko bura manana chahiye, but se dene wali ki privacy ko khayal rakhe, but let's see who's ever kya kehte hain. बड़ा मुश्किल काम होता है उस दिन जिसके हाथ में आप चीज पकड़ा रहे हो उसको उसको तरफ देखना, आप हमेशा आंखें नीचे होती हैं और अल्लाह मियां हम वही हुज़ैफा की बात कि हम कुछ भी नहीं है. आप जब देना शुरू करते हो आपको एहसास होता है कि अल्लाह सारी दुनिया को खिला रहा है, हम दो बंदों को खिला के समझते हमने बहुत बड़ा काम किया है, इंसान कुछ भी नहीं है. जी बिल्कुल सही कहा है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इस पूरे काम के अंदर हम लोग जब 5 सालों से कर रहे थे तो हमने यही सीखा कि पहले हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे, नाम कॉल आउट करते थे कम्युनिटी के अंदर, और तो हम बहुत अरसे से काम कर रहे थे तो हमने अपने प्रोसेस को पहले दिन इतना इवॉल्व किया और उसकी एवोल्यूशन यही थी कि अल्लाह का हुक्म है कि ये लोग मांगते नहीं है, ये बाहर नहीं आएंगे. वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पब्लिसिटी से ज्यादा आप लोगों ने इस काम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है. सो हमारी सिर्फ और सिर्फ बेसिस ये थी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम उनसे किसी इस प्रमोशन के मतलब के लिए भी फोटो लें तो वो इस तरह ली जाए कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो. सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पब्लिसिटी या वो कुछ नहीं था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं उसकी जगह पे खड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट पॉसिबल क्या, उसके घर के बाहर की फोटो ले सकता हूँ, वेल एंड ऑफ, वो मेरा काम, माय पर्पस वाज आई हैव टू अट्रैक्ट मोर डोनर्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी. Yeah, so that's what I was going to say. Ke aapke liye to it wasn't just a promotion for you as a startup. It was more of an awareness also. Yep. So for you to create awareness of what you're doing to get the word out, how difficult was that? So it was. Because abhi to jis tarah ye, haan ji bolo please. It was. Humne COVID ke liye, kyunki COVID mein aapko dekhna tha ki bahut zyada tabka jo tha vulnerable ho gaya tha. Ye wo log bhi vulnerable ho gaye jo achhi khasi jobs mein the. तो हम कोविड से पहले एज अ टीम ये पॉलिसी बना ली थी कि हमारा कोई भी वॉलंटियर वाज वेरी स्ट्रिक्टली कन्वेड कि कोई भी वॉलंटियर किसी को देते हुए तस्वीर नहीं लेगा, इट वुड बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. सो अगर आपने फोटो लेनी है उसकी चेहरा ना आए, अगर लेनी है तो घर के बाहर की ड्रॉप ऑफ की आ जाए, बट इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. वो बस कुछ रेयर केसेस में वी टुक परमिशन, उन्होंने लेते थे उनसे इजाजत लेके. तो इट वॉज अ डिसीजन दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं कोई नहीं कह रहा कोई गलत होता है, सही होता है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंट. मेरी इंटेंट बैक एंड पे ये थी, किसी और की इंटेंट डिफरेंट हो सकती है. सो ऑल वी हैव टू प्रोपोगेट इज के सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, बॉटम लाइन. अच्छा सुबह इसमें एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि बाज़ोकात एक नेकी की तरगीब देने के लिए अपने इस काम को दूसरों को सिखाने के लिए हमें तस्वीर बनाना या सोशल मीडिया पे शेयरिंग करना मजबूरी भी होती है. लेकिन हुज़ैफा की बात ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आप जिसको दे रहे हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, उसका चेहरा बिल्कुल तस्वीर में ना आए. मैं आपके इल्म में बस एक अपना एक्सपीरियंस लाना चाह रही हूँ. हमारा अलखिदमत का आगोश आपने नाम सुना होगा, ऑर्फन बच्चियों के लिए खासतौर पर इस्लामाबाद में भी ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा है और शेखुपुरा में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है. मैं इस्लामाबाद गई विजिट पे, आगोश में उन बच्चियों से मिली, बहुत प्यारी बहुत छोटी मासूम बच्चियां, और उनके साथ हम एक एक्टिविटी कर रहे थे, उन्हें कुछ गिफ्ट हमने दिए थे, उनका रिजल्ट आया था. तो यकीन कीजिए कि एक बच्ची के जो एक्सप्रेशन थे ना वो बहुत ही हसीन थे, उसकी स्माइल इतनी इंस्पायरिंग थी कि मैं बेख्तियार अपनी जो चेयरपर्सन है उनसे ये कह उठी, मैंने उनसे कहा मेरा दिल चाह रहा है कि इस बच्ची के इस स्माइल को कैप्चर करके मैं सोशल मीडिया पे डालूं और अपने आगोश का एक प्रोमो बनाऊं, लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा और मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ ये बात शेयर हो कि खास तौर पर हमारे जो
अब्दुशकूर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं अलखिदमत के, उनकी ये ताकीद है, उनका ये ऑर्डर है कि हम अपनी उन तमाम बच्चियों अपने कांटेक्ट में आने वाले तमाम लोग जिनको हम किसी भी तरीके से कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कैप्चर करके उनकी तस्वीर बना के हम सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। यानी बच्ची की तस्वीर को अलखिदमत में अलाउ नहीं था, इसलिए कि बच्ची की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और अगर हम उसे किसी भी किस्म की फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये वाली हमें बात भी तो होती है ना कि हाँ कि देने वाले हाथ का पता ना चले तो वो एक वो एस्पेक्ट कमी में आ जाता है कि लोग फाइन लाइन है इसमें तुबा के। डेली जब मैं पिक्चर्स लगाती हूँ, मैं पिक्सल करके उनके फेसेस पे करती हूँ, इट इज सो कंफ्यूजिंग कि लगाओ या ना लगाओ, बिकॉज देर आर पीपल हु हैव गिवन यू मनी and then there are people you want to inspire, so it's very confusing ke should we do it or should we not do it, because personally I would not want to do it. Yeah, Nida, aapse because abhi jis tarah jab ye corona shuru aaya aur kuch celebrities ne ye covid packages bana ke dena shuru kiye the and they started uploading all these pictures and these videos, to social media pe bahut hi campaign bhi chali thi ke किसी को देते हुए मतलब वीडियो ना बनाओ, या कोई किसी के पास गया उसको खाना देने तो उसने कहा वीडियो तो नहीं बनाएंगे मेरी। इस चीज के बाद ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में भी आ गई दैट यस गिव समथिंग बट डोंट मेक द वीडियो। सो लाइक व्हाट्स योर इनपुट बीन थ्रू आउट ऑन दिस थिंग? अच्छा, मैंने तो इसके लिए बड़ी आसान पॉलिसी रख दी है, बट आई डू कि जितने भी हमारे मील बॉक्सेस होते हैं वो, क्योंकि मुझे इंटरनल सारी तस्वीरें रोज आती हैं, आइसोलेशन वार्ड्स की भी आती हैं, कोरोना आईसीयू से भी आती हैं, डॉक्टर्स की भी आती हैं। सो जिस तस्वीर में भी कोई इंसान होता है उसको हम अपलोड नहीं करते, मगर व्हाट एवर द मील्स वी आर सेंडिंग हम उनको अपलोड करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज इंस्पिरेशनल। एंड जैसे जब से मैंने ये मील देने शुरू किए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन पे पूछा कि तुम्हारे आटे में काला काला क्या नजर आता है, so I have to tell them it's kalonji. So many time people ask me ke save rose jata hai. Ek dafa to ek itna stupid question aaya, you know positive log bhi bahut hote hain aur negative tank khinchne wale bhi dero dero hote hain. Haan, wo to bahut hote hain. So you know I just got a comment, oh my god, are you giving them white bread? And you know main aapko bataun us corona ward mein har tarah ke log, agar mere bus mein ho to main tumko roz parathe bhejun, क्योंकि यू नो मुझे जो तस्वीरें आती हैं उसमें 80 साल के बाबे हैं जिनको आई नो कि शायद ब्रेड पसंद भी नहीं होगी, दे वांटेड टू हैव रोटी, खाते कभी लाइफ में उन्होंने खाई नहीं होगी व्हाइट ब्रेड। सो वो यू नो वो, तो फिर हमने क्या किया था कि वी डिसाइड कि हम मील्स भेजेंगे और उनकी तस्वीरें अपलोड करेंगे, और मुबीन के साथ जैसे हम इफ्तार के लिए काम करते हैं, सो हम क्या करते हैं कि अगर कोई तस्वीर आ भी गई तो मुबीन के पास एक सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर से उसके तस्वीर को पिक्सेलेट कर देते हैं। हाँ, तो अभी उम्मीद नहीं होता है। वो भी डायरेक्ट एवरी डे तो ये आसानी से हो जाता है। वैसे एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं ना, उन वॉलंटियर्स की हौसला अफजाई के लिए उनको सोशल मीडिया पे लाया जा सकता है, उनके जो फीलिंग्स हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उनको शेयर किया जा सकता है। हमारे तो एक्सपीरियंस में ये चीज आई, हमारे यहाँ ये शेखोपुरा का जो हमारा ऑर्फन के लिए इदारा आगोश का बन रहा है, शायद आपकी नॉलेज में हो कि ये एक बहुत ही बुजुर्ग साहब हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस जज्बे से बेड़ा उठाया और एक बहुत बड़ी इमारत और बहुत अच्छे वसाइल के साथ हमारा साथ दिया, और अब वो इमारत इंशाल्लाह तामीर होने वाली है। आप यकीन कीजिए कि उनका छोटा सा इंटरव्यू और उनकी उस कोशिश को सोशल मीडिया पे इतनी पजीराई मिली है, और उसके बाद कई लोगों ने, मैं बिला मुबालगा कहूँ तो सैकड़ों लोगों ने फोन करके डोनेट किया होगा खुद जी। एक्चुअली सो द मेन पर्पस है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो क्या हम। सो हमारा भी जो मेन मकसद था वो यही था, टू गेट ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड इन वन प्लेस, इज के हम वी गेट द वर्ड आउट दैट देयर आर
many, you know, different sorts of organizations with different business models, जो फर्क फर्क तरह के काम कर रही हैं, हर एक का फर्क पैकेज है, फर्क बिजनेस मॉडल है. सो जो अपनी कैपेसिटी में जिस तरह भी डोनेट करना चाहे या कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर सकता है. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. हमारा घंटा पूरा हो चुका है. थैंक यू आप लोगों ने रमजान में अफ्तारी के बाद स्पेशली टाइम निकाला. It was great having you all, and I hope that you know people just keep on giving to you for the great cause that you all are doing. और ये बस रमजान के बाद खत्म ना हो जाए. हाँ, खत्म ना हो. बस कीते रहे लोग कर रहे हैं जो करते रहे. और हुज़ैफ़ा एंड अल-ख़िदमत की एंड निदा. नहीं, but you all are inspirational. All are, you all are. हाँ, all are. और मतलब बस ये कि लोग करते रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को इसी तरह लोग देते रहे और आप लोग जो अच्छा काम करें. और प्लीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपना वे ऑफ डोनेटिंग जरूर मेंशन करिएगा. हाँ. ताकि जिसने डोनेट करना हो उस पे जाके पढ़ के कर सके. इफ देयर इज अ लिंक, इफ देयर इज अ नंबर, देयर इज एन अकाउंट नंबर, यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स. और बहुत सारे कमेंट्स में हमें तारीफें भी आई हैं सबकी. एवरीवन इज सेइंग वेल डन टू ऑल ऑफ यू. Praises for all of you for all the work you're doing, and Maham aur Tuba, hame bahut acha ye laga mujhe personally aur meri team ko ke youth ki jo bhi is waqt koshish hai Allah Taala ne usme khair o barkat bhi dalni hai, lekin mashallah aap logon ke jazbon ki wajah se na har aapki is tarah ki activity इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खैर के और दरवाजे खोलेगी. तो मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, महम आपकी भी और तुबा आपकी भी. बाकी भी मुझे बहुत अच्छा लगा हुज़ैफ़ा से मिलके भी और मुबीन और निदा से मिलके भी. मुझे भी. एवरीबॉडी, इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस.